गाइस वेलकम बैक टू द वीडियो। दोस्तों आज के वीडियो का टॉपिक है टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट पोकेमोन ऑफ एश केचम जो एश केचम ने ओन किए। दोस्तों इस लिस्ट में जो पोकेमोन नई जगह बनाया पाया है वो है इन्फर्निप। दोस्तों इन्फर्निप इस जगह पे इस लिस्ट में नई जगह बना पाया। दोस्तों अगर ये वीडियो टॉप 6 की होती तो उसने जरूर अपनी जगह बनाई होती। दोस्तों उसे एक अपार्ट साइड पर रख देते हैं और हमारे पांचवें पोकेमोन से शुरुआत करते हैं, वो है स्केप्टाइल। दोस्तों स्केप्टाइल इस लिस्ट में इसलिए है क्योंकि उसने एक मिथिकल पोकेमोन डार्कराय को हराया है, वो भी होएन रीजन में। और दोस्तों होएन एश ने स्केप्टाइल को होएन रीजन में पकड़ा था यानी ट्रीको के फॉर्म में और उसे इवॉल्व किया स्केप्टाइल तक। और स्केप्टाइल एक वाकई बहुत ही ताकतवर पोकेमोन है एश का, ओके, इसलिए वो इस लिस्ट में आता है। दोस्तों अगला पोकेमोन हमारे नंबर 4 पे, उन सब उस पोकेमोन को तुम लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे, पिकाचू। दोस्तों पिकाचू इस लिस्ट में नंबर 4 पे इसलिए है क्योंकि एक तो चीज़ वो उसका स्टार्टर पोकेमोन है और दूसरी चीज़ उसने बहुत ही बड़े बड़े अपने साइज से बड़े और ताकतवर पोकेमोन को आराम से हराया है, जैसे लेजेंडरी पोकेमोन रेजाइस, ड्रैगनाइट और अलग अलग तरह के अलग अलग पोकेमोन। दोस्तों पिकाचू बहुत ही ताकतवर पोकेमोन है एश का, इसलिए वो इस लिस्ट में 4th पोजीशन डिजर्व करता है। दोस्तों तो पोकेमोन अभी नंबर 3rd पोजीशन को डिजर्व करने वाला है, वो है कार्लोस रीजन का पोकेमोन एश का गूड्रा। दोस्तों गूड्रा एक कमी पोकेमोन है और एश का सबसे पहला सूडो लेजेंडरी पोकेमोन है। दोस्तों इस पोकेमोन को इस लिस्ट में होने का एक ही वजह है कि ये पोकेमोन अब एश का पोकेमोन है और ये इस कभी भी एक भी बैटल हारा नहीं है, बल्कि उसने एक ही बैटल हारा था और कार्लोस रीजन में टाई कर दिया था। दोस्तों और एक सूडो लेजेंडरी पोकेमोन है इसलिए ये इस लिस्ट में नंबर 3 की पोजिशन आराम से डिजर्व करता है। दोस्तों से नंबर 2 की पोजीशन पे जो पोकेमोन आने वाला है उस पोकेमोन को तुम लोग बहुत ही अच्छे से जानते होगे, वो है तुम्हारा सबसे प्यारा फायर टाइप चारिज़ार्ड। दोस्तों चारिज़ार्ड एश ने कांटो रीजन में पकड़ा था चार्मेंडर के रूप में, बाद में इवॉल्व करके चारिज़ार्ड बना। और दोस्तों चारिज़ार्ड ने इस लिस्ट में इसलिए क्योंकि उसने लेजेंडरी पोकेमोन आर्टिकनो को हराया है, एश की यूनोवा रीजन यानी शिनो रीजन और होएन रीजन में बहुत सारी मेलहेब के बैटल्स में बैटल फ्रंटियर में बहुत ही तगड़ा अपोनेंट के सामने लड़ा है, रेजिस्टील रेजिरॉक जैसे लेजेंडरी पोकेमोन से बैटल भी की है, इसलिए वो हमारे लिस्ट में नंबर 2 की पोजीशन डिजर्व करता है। दूसरी जो पोकेमोन नंबर 1 पे है उसे तुम लोग सबसे ज़्यादा पहचानते हैं, उसका फैन बेस बहुत ही ताकतवर पोकेमोन है, उसके बॉन्ड की वजह से वो इस लिस्ट में नंबर 1 की पोजीशन होल्ड करता है और ये बहुत ही ताकतवर है यार। इसने मेगा चारिज़ार्ड एक्स के सामने बहुत ही बढ़िया टक्कर दी है और इसने बाकी जिम बैटल्स में भी कमाल किया है। दोस्तों ये पोकेमोन बहुत ही लाजवाब है, मेरा फेवरेट पोकेमोन है भाई, लिस्ट में तो होगा यार मेरे फेवरेट में, बट उससे भी ऊपर एक पोकेमोन है वो तुम लोग जानते हो, वो एक्स है। दोस्तों तो आज यही थी आज की ये लिस्ट। सो दोस्तों तुम लोगों को अगर आज का ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक के बटन को हिट करना मत भूलना। आज की वीडियो का लाइक है 25 लाइक्स का, ओके गाइस, तो 25 लाइक्स का हिम कंप्लीट करना और प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मैं तुम लोग से मिलूँगा अभी अगले वीडियो में, टाटा बाय बाय।